नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं उस वीडियो की जो इन दिनों सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है, और वह वीडियो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। हालांकि आप सभी इस महान खिलाड़ी को जानते ही होंगे, और आप में से बहुतों ने यह वीडियो क्लिप भी देखा होगा कि रोनाल्डो ने कोका कोला की दो बोतल सामने से उठाकर नीचे क्या रख दी कि इतना बड़ा बवाल हो गया। कोका कोला को इतना बड़ा घाटा लग गया, और ये घाटा 5-10 करोड़ का नहीं है दोस्तों, पूरे 29,500 करोड़ का घाटा है। आप समझ सकते हैं घाटा कितना बड़ा है। तो फिर कोका कोला ने रोनाल्डो के ऊपर जुर्माना लगाने की बात कही। रोनाल्डो के ऊपर जुर्माना लगा कि नहीं लगा, अभी इस पर कोई खबर नहीं। लेकिन दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो क्लिप बहुत कुछ बयां कर रही है, और इस वीडियो से हमारे देश के सेलिब्रिटीज को सीखना चाहिए, जो आए दिन नए नए प्रोडक्ट्स, नए एप्स ऐड करते हैं, और वे खुद उस प्रोडक्ट्स, उस एप्स का यूज नहीं करते, लेकिन अपने ही देश के लोगों को उस एप्स का, उस प्रोडक्ट्स का यूज करने के लिए कहते हैं। ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज हैं, जिसमें से मैं सबसे पहले बात करूंगा विराट कोहली की। ये MPL का ऐड करते हैं। MPL मतलब मोबाइल प्रीमियर लीग। अब आप समझ जाइए, जिस बंदे के पास मोबाइल चलाने का टाइम है, वो मोबाइल में गेम क्या खेलेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, विराट कोहली पर एड का 5 करोड़ रुपए चार्ज लेते हैं, और MPL मोबाइल प्रीमियर लीग तो बस इसका नाम है, ये तो सट्टा खिला रहे हैं, जुआ खिला रहे हैं अपने ही लोगों को, अपने ही देश के लोगों को। इसी ऐप को लेकर 2020 में किसी ने कोहली के खिलाफ केस कर दिया, और आरोप लगाया कि ये टेलीविजन से लोगों को सट्टा खेलने के लिए कह रहे हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, इस पर फैसला भी हुआ। तो आप जब भी टेलीविजन में टीवी के माध्यम से MPL, ड्रीम 11, सर्कल 11 या बल्लेबाजी ऐप के ऐड देखते हैं, तो उसके जस्ट 2 सेकंड का ऐड के बाद जस्ट 2 सेकंड का डिस्क्लेमर आता है, और उसमें वे खुद समझ नहीं पाते कि वे क्या बोल रहे हैं। इतनी जल्दी हटा दिया जाता है उस डिस्क्लेमर को। और आप लोग को पता होगा कि MPL के पहले ड्रीम 11 आया, ड्रीम 11 का ऐड MPL के पहले ही आया टीवी में। इसमें तो आधी टीम इंडिया ऐड करती है, इसमें भी महान खिलाड़ी MS धोनी, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, किस किस के नाम लूं मैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, इन सब का दुष्प्रभाव देश के युवाओं पर पड़ रहा है, जो दिन ब दिन इस सट्टे के दलदल में घुसते जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, देश में बेरोजगारी दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो बेरोजगारी दर 2017 में 5.41% थी, वो 2018 में 5.33% हुई, और 2021 में वो 8% से भी ऊपर पहुंच गई है, जिसका पूरा फायदा ये ऐप उठा रहे हैं। ये देश के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और फिर अपनी टीम के कुछ लोगों का ऐड बनाकर टीवी पर दिखाते हैं कि मैंने 1 करोड़ जीते, मैंने 1 लाख जीते, मैंने 10 लाख जीते, जिसमें देश का युवा इनके जाल में फंसता जा रहा है। इसलिए दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि जो इसका ऐड कर रहा है वो खुद इसे नहीं खेल रहा, यार हम क्यों खेलें, समझ रहे हो। इसी में अगले सेलिब्रिटी है सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट। आप जानते होंगे किसका ऐड करते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये करते हैं पेटीएम फर्स्ट गेम का ऐड। और आप लोगों को पता है पेटीएम किस देश की कंपनी है, चाइना। और फिर उनके बाद आते हैं द किंग खान, मतलब शाहरुख खान, और उन्हीं के साथ हैं अजय देवगन। हालांकि इसका ऐड पहले अजय देवगन करते थे, अभी शाहरुख खान भी इसमें ही जुआ केसरी खाने लगे। तो आप लोग समझ ही गए होंगे जुआ केसरी की बात कर रहा हूं मैं। इनका स्लोगन बड़ा ही प्यारा है, देश एक, भाषाएं अनेक, और हर दिल में बोले जुआ केसरी। वाह वाह यार, मैं दोबारा पढ़ूंगा, देश एक, भाषाएं अनेक, और हर दिल में बोले जुआ केसरी। हालांकि पता ही आपको मैं विमल की बात कर रहा हूँ, जो खुद कभी नहीं खाएंगे वो देश के लोगों को खाने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, ये हैं भारत के सेलिब्रिटीज, ऐसे कई हैं, आप लोग खुद पर डे एडवर्टाइज देखते होंगे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे देश और प्रत्येक देश के नागरिक को ये वीडियो जाए, इतना शेयर करिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर जाएं जिससे अगली जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों।